यूं तो 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब को हर कोई याद करता है। भारत के दलित जो हैं, खासतौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग तो उन्हें बिल्कुल ज़रूर ही याद करते हैं, क्योंकि वही है जिन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण की बात कही थी, वही हैं जिन्होंने दलितों की सरकार बना दी थी यूपी जैसे बड़े प्रदेश में। मान्यवर साहब को बाबा साहब के बाद एक बड़ा पुरोधा माना गया और उनको बहुत लोग याद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को उनके नाम से, उनके कद से, उनके कामों से दिक्कत भी है। विरोधी पार्टियों को तो है ही, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन दलितों की पार्टियों को भी, जो विरोधी पार्टियां हैं, बसपा के खिलाफ जो पार्टियां हैं, उनको भी दिक्कत तो होती है। खासतौर से आरपीआई से जो संबंधित लोग हैं उनको भी दिक्कत होती है, और वो उन दलितों को भी दिक्कत होती है जो लोग विरोधी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, आरपीआई से संबंधित जो दलित लोग हैं, जो उन पार्टियों में से संबंधित हैं या फिर उस प्रकार की विचारधारा से संबंधित हैं, उन लोगों को भी मान्यवर से दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई दलित विद्यार्थी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मना ले तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग तो आग बबूला हो जाएंगे, और अगर उस विश्वविद्यालय का कुलपति, कुलाधिपति ब्राह्मण हो तो निश्चित रूप से वहाँ पर उस विद्यार्थी की शामत आने वाली है। और ऐसा ही हुआ वर्धा विश्वविद्यालय में। वर्धा विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी हैं, रजनीश कुमार अंबेडकर, एक तो दलित, ऊपर से सरनेम भी उन्होंने अंबेडकर लगा लिया, और ये शोध कर रहे हैं। इनके शोध का विषय है समकालीन हिंदी पत्रिकाओं में लेखिकाओं के स्त्रीवादी सरोकार, और इस विषय पे शोध करने वाली छात्र ने अपनी जो पीएचडी है वो जमा कर दी, लेकिन विभाग उसे पीएचडी मान ही नहीं रहा है। वो कहता है कि ये पूर्व ड्राफ्ट है और ये आपने तय समय पर भी जमा नहीं किया। बहुत सारे एलिगेशंस लगा के, बहुत सारे आरोप लगा रहा है, और इस आधार पे वो विभाग जो है, जिसकी विभागाध्यक्ष जो हैं वो भी ब्राह्मण है, यानी कि पाठक हैं, तो उन्होंने भी इसको जांच के लिए नहीं भेजा। लेकिन इन सब की जो वजह है, रजनीश कुमार अंबेडकर बताते हैं कि इन सब की जो वजह है वो ये, क्योंकि इन्होंने उस विश्वविद्यालय में मान्यवर कांशीराम साहब संबंधी एक कार्यक्रम आयोजित कर लिया था। वर्धा का ये हिंदी विश्वविद्यालय, जिसके कुलाधिपति या कुलपति ज़्यादातर ब्राह्मण ही रहे हैं, इनके द्वारा जो बहुजन छात्र हैं, विद्यार्थी हैं या फिर प्रोफेसर्स भी हैं, उनको प्रताड़ित करने का कोई ये नया केस नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टर सुनील कुमार सुमन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रताड़ित किया गया था। पहले निलंबित किया गया, फिर बर्खास्त तक कर दिया गया, और उसके बाद फिर उन्हें वर्धा से स्थानांतरित कर दिया गया था। एक लंबी प्रताड़ना का समय उन्होंने झेला है, इसलिए क्योंकि वो एक आदिवासी प्रोफेसर हैं और बहुजन मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, और सिर्फ विश्वविद्यालय ही नहीं, अन्य जगहों पर भी अपनी राय वो रखते हैं, वो बात करते हैं इन मुद्दों पर। सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन ब्राह्मण जो कुलपति है, कुलाधिपति है, इनकी वो जी हजूरी नहीं करते थे, इस कारण से उन्हें इस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सिर्फ यही नहीं, ओबीसी के एक छात्र को जबरदस्ती, अगर वो बीकॉम में एडमिशन लेना चाहता था, उसके बावजूद उसको बीबीए जैसे दूसरे विषय में एडमिशन लेने के लिए प्रताड़ित किया गया, उसे जबरदस्ती की गई, उससे ये कहा गया कि बीकॉम में आपको एडमिशन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें आप सिर्फ अकेले विद्यार्थी और बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। जबकि इन्होंने ही, विश्वविद्यालय ने ही ये विज्ञापन निकाला था कि वहाँ पे इस प्रकार के भर्ती हो रही है, उसके बावजूद एक विद्यार्थी चयनित हो गया, उसे उस पर एडमिशन नहीं दिया जाता। उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी विश्वविद्यालय के अंदर, विद्यार्थियों ने मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसे फिर उस विषय के उसी डिपार्टमेंट में उसे एडमिशन मिला। ये समस्या यहाँ पर है, जिसके जो प्रमुख पद हैं उन पदों पर ब्राह्मण हैं, और वो बिल्कुल टारगेट करके
इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ये बात नई नहीं है, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया, अगर इन मुद्दों पर हम खामोश रहे, तो निश्चित रूप से फिर से कोई छात्र, कोई दलित छात्र या तो रोहित वेमुला की स्तर पर पहुंच जाएगा, या फिर कोई जिस तरह से एक छात्रा ने हाल ही में वारंगल में सुसाइड कर लिया था। इस प्रकार की स्थितियां हम बनने ही क्यों देते हैं? हम इस पर आवाज़ अगर सही तरीके से सही समय पर आवाज़ उठाएं, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो बदमाशियां हैं, जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जाती है, वो कुछ हद तक तो थमेगी। हम अगर इससे मुंह मोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से फिर से कोई ना कोई एक ऐसी अप्रिय घटना का हमें सामना करना पड़ सकता है। भारत देश का पहला शोधार्थी हूँ जिसके साथ जो है पीएचडी शोध प्रबंध जमा करने के बाद में शोध निदेशक बदलने की जो है प्रक्रिया की गई है, और ये पीएचडी ऑर्डिनेंस जो विश्वविद्यालय का है उसके सरासर नियम विरुद्ध है। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति महोदय से, कुल रजिस्ट्रार महोदय से, विभागाध्यक्ष से और डीन सर से भी मिल करके अपनी समस्या को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है। रजनीश कुमार अंबेडकर बताते हैं कि ऐसा सिर्फ उनके साथ हो रहा है क्योंकि मामला जातिवाद का है, जबकि ऐसे ही केस में जब विभागाध्यक्ष या फिर पीएचडी के जो गाइड है वो अगर सेवानिवृत्त हो गए हैं तब भी उन्हें पीएचडी प्रदान की गई है। प्रोफेसर शंभु सर के रिटायर्ड होने के बाद ही उनका 14 दिन बाद जो है प्री सबमिशन किया जाता है, ये उससे संबंधित दस्तावेज है। उसके बाद में पीएचडी इनका मॉक की हुआ और पीएचडी अवार्ड की गई। इसके साथ साथ हमारे ही विश्वविद्यालय के एक लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है उसमें प्रोफेसर देवराज सर रिटायर्ड हुए, और देवराज सर 31/3/2019 को रिटायर्ड हुए। उनके अंडर में कुलदीप कुमार पांडे और जितेंद्र को भी पीएचडी की उपाधि जो है ये उससे संबंधित हमारे पास में सभी दस्तावेज हैं। ये कुलदीप कुमार पांडे का है, 15/3/2019 को इनका प्री सबमिशन हुआ, उसके बाद में हम मॉक की जो है 7/8/2019 को होती है। इसी तरीके से कुलदीप कुमार पांडे को पीएचडी की उपाधि दी जाती है, उसके बाद में है जितेंद्र को भी पीएचडी उपाधि दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब इस तरीके से विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त प्रोफेसर के संदर्भ में कोई कार्यालय आदेश नहीं है तो मेरे लिए ही अलग से नियम क्यों बना करके मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा कोई नियम है कि रिटायरमेंट के बाद वो व्यक्ति गाइड नहीं बन सकता, या फिर गाइड है और अगर उस वक्त वो रिटायर हो जाता है तो उसे बदल दिया जाना चाहिए, अगर ये नियम है तो ये काम किसका है? क्या ये शोधार्थी बदलेगा या विभाग बदलेगा? विभाग को अगर इसकी जानकारी थी तो ऐसे व्यक्ति को गाइड बनाने का अवसर क्यों दिया गया? क्योंकि पता था कि इतना लंबा समय तो लगता ही है किसी एक थीसिस को पूरा होने में, एक पीएचडी को पूरा होने में, तो ऐसे व्यक्ति को गाइड क्यों बनाया गया जो रिटायर होने वाले थे? दूसरी बात, अगर वो रिटायर हो गए, 2018 का यह नियम है और 2018 में ही शंभु गुप्त रिटायर हुए, तो ये बात शोधार्थी रजनीश अंबेडकर को क्यों नहीं बताई गई और उसी वक्त विभाग ने गाइड क्यों नहीं बदला? तो क्या विश्वविद्यालय इस बात का इंतजार कर रहा था कि 2022 में या फिर 19 में 20 में जब ये रजनीश अंबेडकर अपनी पीएचडी या थीसिस पूरा करके जमा करेंगे उस वक्त उन्हें ये बताया जाएगा कि आप अपना गाइड बदलें? दूसरी बात, यहाँ पर ये भी शक अंबेडकर यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बहाने सुप्रिया पाठक जो कि इस वक्त विभागाध्यक्ष हैं वो दो शिकार कर रही है एक तीर से। हो सकता है वो इनके जातिवाद की वजह से इनकी पीएचडी लेट भी करना चाहती है और साथ ही गाइड के तौर पर अपना नाम जुड़वाकर खुद को बहुत जल्दी प्रोफेसर के तौर पर वो देखना चाहती हैं, उस पद पर पदोन्नत होना चाहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस व्यक्ति के साथ में पीएचडी करवाने का जो ये सिलसिला है, ये जिसके साथ में जुड़ता है, तो उसे जल्दी पदोन्नति मिल जाती है। तो हो सकता है इस लालच में भी वो ये कर रही हूँ। हमने उनके विभागाध्यक्ष सुप्रिया पाठक से बात की, उन्होंने कहा बहुत ही गोलमोल तरीके से, बहुत ही वो सही तरीके से उत्तर नहीं दे पा रही थी,
वो कभी कहती कि उनकी पीएचडी जमा हुई, फिर वो कहती कि नहीं पूर्व ड्राफ्ट था जो जमा किया, फिर वो कभी कहती कि सही समय पर जमा नहीं हुआ, कभी कुछ कभी कुछ। सही तरीके से वो ये भी नहीं कह पा रही, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि बहुत जल्दी इसका समाधान निकाल लिया जाएगा जो विद्यार्थी के हित में भी होगा और जो विश्वविद्यालय के हित में भी होगा। अब वो हित क्या है वो उन्होंने हमें नहीं बताया। इसके बाद हमने कुलपति महोदय को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कॉल उठाया नहीं, तो हमें इसके बाद की जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में बहुत बेहतर और कोई अच्छे समाधान की ओर बढ़ेगा और किसी अप्रिय घटना को होने से जरूर रोकेगा। मैं चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि मुझे न्याय दिलाने में सहयोग कीजिए, जिससे मैं अपनी पीएचडी उपाधि को प्राप्त कर सकूं। जय भीम। विद्यार्थियों ने मिलकर रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा और ये मांग की कि रजनीश अम्बेडकर की पीएचडी को जांच के लिए भेजा जाए। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी एक आंदोलन किया और वहाँ के कलेक्टर, वर्धा के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। हिंदी विद्यालय से स्कॉलर रजनीश अम्बेडकर यांनी पीएचडीचा थेसेस इकडे जमा केलेला आहे। त्यांनी लिहिलेला थेसेस जमा केल्यानंतर सुद्धा त्यांनी दुसरा थेसेस सबमिट करावा आणि दुसरा गाईड त्यांनी घ्यावं आणि दुसऱ्या गाईडच्या अंडर थेसेस जमा करावं असं सांगण्यात आलं। जेव्हा की पहिला थेसेस त्यांनी जमा केला तेव्हा जे गाईड होते त्या गाईडची सगळी सही झालेली आहे। तिथले जे प्रमुख आहे त्यांनी सुद्धा त्यावेळी त्यांचा थेसेस जमा करून घेतला, त्यांना त्याची कॉपी दिली, सही दिली आणि त्यांना सांगितलं की सबमिट झालेलं आहे। त्याच्यानंतर 3 महिन्यानंतर त्यांना ते पत्र लिहितात की तुमचा थेसेस आम्ही जमा करत नाही, दुसरा गाईड घ्या आणि दुसरा थेसेस जमा करा। त्यासाठी त्यांच्या नियमानुसार जे काही विश्वविद्यालयाचे नियम आहे त्या नियमाच्या विरुद्ध हे व्ही सी कारवाई करत आहे आणि एका विद्यार्थ्यावर अन्याय करत आहे आणि म्हणून या विद्यार्थ्याचा जो त्यांनी लिहिलेला थेसेस आहे जे सुरुवातीचे गाईड आहे त्या गाईडच्या अंडरच त्याचा थेसेस देऊन त्यांना पीएचडी अलॉट करावी याची मागणी आम्ही बहुजन समाज पार्टीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपतीला देतो आहे आणि इथल्या व्ही सीला सांगतो आहे की हे जो काही अन्याय तुम्ही करत आहे ही दादागिरी बरोबर नाही आणि म्हणून तात्काळ रजनीश कुमार आंबेडकर या स्कॉलरला त्याची पीएचडी प्रदान करण्यात यावी, त्याचं मूल्यांकन करण्यात यावं। 6-9 महिने झाले त्यांनी तसेच जमा केला, 9 महिन्यानंतर सुद्धा अजूनपर्यंत मूल्यांकन केलं नाही, जेव्हा की 3 महिन्याच्या आत मूल्यांकन करून पीएचडी त्यांनी सादर केली पाहिजे, त्यांना अलॉट केली पाहिजे विद्यार्थ्याला। हे त्याच्यामुळे त्याचं आयुष्याचं नुकसान होत आहे आणि तो फर्स्ट एड झालेला आहे, म्हणून त्या विद्यार्थ्याला न्याय मिळावा म्हणून बहुजन समाज पार्टीच्या वतीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपतीला सन्माननीय आमचे प्रदेशचे प्रभारी ॲडव्होकेट सुनील डोंगरे यांच्या नेतृत्वात आणि सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही हे निवेदन देतो आहे।